मैं पनीर की सब्जी बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्ची, 1 तेज पत्ता और ये 200 ग्राम वाला, हाँ 200 ग्राम के पनीर लिए तो पैकेट में। थोड़ा सा फ्रेश क्रीम लिया है मैंने, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है जो कि मैं मेजरमेंट करके डालूँगी। ये सारा चीज़ मैंने लिया है। अब मैं आपको बनाने की विधि बताती हूँ। फ्रेंड, मैंने गैस ऑन कर रखा है, कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है। अब 2 बड़े टीस्पून, ये बड़ा चम्मच, यानी कि ये 4-5 टीस्पून होगा रिफाइंड। ये 2 बड़े चम्मच से मैंने रिफाइंड इसमें डाला है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी डाल सकते हो। इसके बाद मैं थोड़ा सा इसे बघाड़ लगाने के लिए थोड़ा सा मैं जीरा डालूँगी। दो हरी मिर्च, अरे तेज पत्ता, ये थोड़ा सा लाल हो जाए फिर मैं इसमें प्याज डालूंगी। दोनों प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, टमाटर को भी चॉप कर लिया है। फोरन हो गया है, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। मैंने प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर मैं इसमें मसाले डालूंगी। उसका कच्चापन थोड़ा सा कम हो जाए फिर डालेंगे मसाला। और मसाले के लिए मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, हल्दी, धनिया और देगी लाल मिर्च। फिर ये प्याज थोड़ा सा फ्राई हो गया है, उसका थोड़ा सा कच्चापन खत्म हो गया। अब मैं इसमें इसी चम्मच के बराबर 2 टीस्पून होगा अदरक लहसुन का पेस्ट है। फ्रेंड्स, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जब भी पीसती हूँ ना, उसमें गरम मसाला भी डाल के पीस लेती हूँ, तो मुझे अलग से गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची सब डाल के इकट्ठे पीस लेती हूँ, तो मुझे अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये थोड़ा सा फ्राई हो गया फिर मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। फ्रेंड, मैंने ना फ्रेश दही रखा हुआ है, तो मैं ना इसके मसाले को ना, तो 1 चम्मच मैंने दही लिया है, दही में ही 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दिया, 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और थोड़ा सा गरम मसाला ये डाल करके मैं इसको मिक्सअप कर दूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी भी डालूँगी। फ्रेंड, ये देखिए, ये मेरा ना प्याज और टमाटर जो ना हल्का फ्राई हो गया। अब मैं इसको ना गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए फिर मैं इसको पीस लूँगी ग्राइंडर में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसको जो मैंने प्याज और टमाटर वगैरह पीसा था उसको मैंने ऐसा पेस्ट बना लिया है। अगर आप चाहें तो इसको पेस्ट बना सकते हैं, अदरवाइज ये बिना पेस्ट के भी आप खा सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना बहुत ज़्यादा नखरा करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ना कि चलो इसको पेस्ट ही बना दो, तो वो है ना आराम से बहुत शौक से खा लेते हैं। इस तरह का मैंने पेस्ट बनाया है। अब ये पेस्ट डालने के पहले मैं थोड़ा सा इसमें ना फ्रेश क्रीम डालूँगी। ये फ्रेश क्रीम फ्रेंड कोई 5-6 चम्मच होगा। और फ्रेश क्रीम डालने के बाद फिर मैं इसको इसमें डाल दूँगी।
मैंने इसलिए पहले फ्रेश की, मैं वैसे तो आप मसाला डालने के बाद भी डाल सकते हो, पर मैंने इसलिए डाला ताकि ये चिपके नहीं कढ़ाई में, इसलिए मैंने पहले फ्रेश की डाल दिया। अब ये डालने के बाद मैं अब इसमें जो मैंने ये मसाले का जो अदरक ये हल्दी धनिया जो उसमें दही में डाल करके मैंने पेस्ट बनाया था ना, वो इसमें डाल देंगे। और गैस को है ना स्लो फ्लेम पे ही रखिएगा फ्रेंड, इससे ये होगा ना कि हाँ कि ये आराम से धीरे धीरे पकेगा और नीचे बेस पकड़ेगा नहीं और जलेगा नहीं। थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। फ्रेंड्स इसमें ना मैं थोड़ा सा चीनी भी डालती हूँ, तो चीनी डालने से ना थोड़ा सा नमकीन थोड़ा सा मीठा मतलब अच्छा फ्लेवर आ जाता है चीनी डालने से, तो मैंने थोड़ा सा इसमें चीनी भी डाल दिया है। और फ्रेंड्स वो पनीर जो था ना उसको मैंने गर्म पानी में चढ़ा दिया है थोड़ा सा, ये देखिए ये पानी में मैंने इसको थोड़ा सा बॉयल कर दिया ताकि ये जो वो कहता है ना कि हाँ पन्नी में बाहर से हम लेकर के आते हैं तो जो भी स्मेल वगैरह है वो, और थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल दूँ, थोड़ा सा इसका स्मेल ख़त्म हो जाएगा और इसमें नमक भी मैं डाल दूँगी, तो नमक से ये होगा कि सारा नमक जो है ना वो पनीर के अंदर चला जाएगा। तो आप किसी भी टाइम पनीर में पनीर को अगर ग्रेवी में डालते हैं तो उसमें नमक की कमी नहीं लगती है, तो वो नमकीन लगेगा, अच्छा टेस्ट लगेगा। इसको थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक देती हूँ, देखिए मैं इसलिए पक गया है। फ्रेंड्स इसमें आप है ना अगर ज़्यादा फ्रेश क्रीम भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बिल्कुल उसका टेस्ट तो अच्छा ही था। ये मैंने ना ऐसा कस्तूरी मेथी डाला है इसमें, इससे कुछ और अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये वाला जो स्पून है ना फ्रेंड, इसी से मैंने चार चम्मच चार बड़े टीस्पून से मैंने फ्रेश क्रीम डाला है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ग्रेवी रेडी हो गया है, और जिसमें मैंने मसाला पिसा था अगर ये ग्रेवी मेरे लिए मुझे लग रहा है कि कम है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, जो मसाला मैंने पिसा था ना तो वही मैंने इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया कि बाद में है ना। काफ़ी गाढ़ा था तो मैंने पानी डाल करके इसको थोड़ा सा पतला कर दिया। अब मैं अब ये मेरा ग्रेवी तो रेडी हो गया है, अब मैं फिर पनीर जितना मुझे पनीर डालना है इतने कहना कि सारा इकट्ठे नहीं डालती मैं, थोड़ा ही सा जितना खाना है बस उतना ही डालूँगी, बाकी जब हम खाना खाने लगेंगे अगर मान लो कि थोड़ा कम पड़ गया फिर मैं अलग से डाल दूँगी, अभी बस जितना खाना है उतना ही मैं डालूँगी इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स मेरा पनीर ऐसा बन के रेडी हुआ है, और ये रेसिपी आप भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पनीर का रेसिपी। थैंक यू।